फोरम पे इस बिल के मुखालफत में हम हर फोरम पे हर उस कम्युनिटी के साथ हैं जो एहतजाज करेगी। हम इसको हर सतह पे चैलेंज करें, हाई कोर्ट में आप भी जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम भी जा रहे हैं, हम बहसियत जमात हाई कोर्ट में जा रहे हैं और हम इसको चैलेंज करेंगे। अपोजिशन का हतकी इज्जत बिल की हर फोरम पर मुखालफत का ऐलान। लाहौर प्रेस क्लब में कायदे हिज़्बे इख्तिलाफ मलिक अहमद खान भच्चर गुफ्तगू करते बोले कि हतकी इज्जत बिल चंद लोगों को खुश करने के लिए लाया गया, बिल की 12 शिकों में तजाद है। हतकी इज्जत बिल पर हुकूमत को टफ टाइम देंगे, मुतनाज़े बिल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। मुस्लिम लीग नून का पार्टी कवानीन में अहम तरामीम की मंजूरी का फैसला, पार्टी जनरल काउंसिल का इजलास 28 मई को होगा। मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल के इजलास का एजेंडा जारी। इलेक्शन कमीशन के असूलों के मुताबिक पार्टी सदर के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जाएंगे। इजलास से कायम मकाम सदर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ खिताब करेंगे। पीटीएमए की पंजाब में 27 मई तक हीट वेव के खतरात की पेशगोई, तर्जुमान पीटीएमए का कहना है कि दर्जा हरारत 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तमाम हॉस्पिटल्स में हीट वेव काउंटर्स कायम कर दिए गए। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए मुतल्लिका अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। गंदम बारदाना तकसीम में 1 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम, एफआईए ने पास्को के 3 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान में साबिक जीएम फील्ड जहूर अहमद, जोनल हेड बहावलनगर जिब्रान और जोनल हेड बोरेवाला शामिल। मुलजमान ने गंदम बारदाना की खुर्दबर्द के जरिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। वासा इंतजामिया की बड़ी गफलत, गर्मी के दौरान जरासीम मारने के लिए क्लोरीन की सप्लाई ना की जा सकी। बेशतर ट्यूबवेल्स पर लगे क्लोरीनेटर भी खराब हो गए। पानी में क्लोरीन ना डालने से मुख्तलिफ वबाई अमराज फैलने का अंदेशा। दातानगर सब डिवीजन में क्लोरीन की फराहमी ना हो सकी। शहरियों की गैर कानूनी हिरासत और झूठे मुकदमात में नामजद करने का केस, हाईकोर्ट के जस्टिस असद जावेद घुराल का एसएचओ और दीगर अमले पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। डीपीओ सियालकोट को एसएचओ और एएसआई को फौरी मुअत्तल करके महकमाना कार्रवाई की हिदायत। नगीना बीबी की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार, फौरी रिहा करने का हुक्म। वज़ीर सना चौधरी शाफे हुसैन से चाइना की इको सोलर कंपनी के वफ्द की मुलाकात, पंजाब में सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर बातचीत। वफ्द ने कंपनी और उसके प्रोजेक्ट्स बारे ब्रीफिंग दी। चीनी कंपनी के हुकाम वीडियो लिंक के जरिए मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीरे बल्दियात ज़िशान अफ़ीक़ी ज़ेरे सदारत इजलास, बल्दियाती इदारों में मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब की मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया गया। ज़िशान अफ़ीक़ी कहते हैं ऐसा कानून बनाना चाहते हैं जो देरपा और मुस्तहकम बल्दियाती निज़ाम का ज़ामिन हो। कमेटी अपनी तजावीज़ और सिफारिशात पंजाब काबीना को भिजवाएगी। बाख्तियार मकामी हुकूमतों के क़याम के लिए मौसर कानून साजी ज़रूरी है। इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली से कई मसाइल हल हो सकेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास, इजलास में डीजी ड्रग कंट्रोल मोहम्मद सुहेल, एडिशनल सेक्रेटरी और दीगर अफसरान की शिरकत। पंजाब में एंटीबायोटिक अद्वियात के बेजा इस्तेमाल को रोकने का इंदिया। पंजाब में नशावर अद्वियात के बेदरे इस्तेमाल पर सूबाई वज़ीर की सख्त तशवीश। चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की ज़ेरे सदारत इजलास, लाहौर बोर्ड से इलहा के लिए प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस की दरख्वास्तों का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ने कमेटी की स्क्रूटनी के बाद 54 निजी इदारों के इलहाक में तौसी की मंजूरी दे दी। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तालबात के लिए समर फेस्टिवल का इनेकार, प्री फर्स्ट ईयर की तालिबात ने स्टैंड अप कॉमेडी और गुलकारी में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। प्रिंसिपल गुलबर्ग कैंपस सादिया जावेद का कहना है कि पंजाब कॉलेज की कामयाबी किसी से ढकी छुपी नहीं है।
आटा सस्ता होने के बावजूद बेकरी की मसूआत महंगी फरोख्त। रस का पैकेट 230 से 350 रुपए तक बिकने लगा। डबल रोटी 110 से 210 रुपए तक फरोख्त हो रही। बिस्किट 1200 रुपए किलो में दस्तयाब। शहरियों का हुकूमत से बेकरी आइटम्स की कीमतें कम कराने का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर का कल तक कीमतें ना कम होने पर कार्रवाई करने का हुक्म। डीसीज और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सस्ती रोटी की दस्याबी के लिए मुतहरिक। शहर के 1202 मकामात की चेकिंग, 56 खिलाफ वर्जियां पाई गईं। खिलाफ वर्जियों पर 4 गिरफ्तारियां, 4 मुकदमात का इंदराज, 1,00,000 रुपए के जुर्माने आए। डीसी लाहौर आफे हैदर का कहना है कि रोटी 14 रुपए में फरोख्त ना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डॉक्टर यास्मिन राशिद सर्विसेज अस्पताल में जेरे इलाज। मेडिकल बोर्ड का यास्मिन राशिद को एंटीबायोटिक कोर्स के लिए मजीद 2 रोज रखने का फैसला। यास्मिन राशिद जेल जाने के लिए बाजिद। हस्पताल इंतजामिया का कहना है कि यास्मिन राशिद को डिस्चार्ज करने का फैसला मेडिकल बोर्ड करेगा। एलडीए की तारीख में बेजाबकियों का बड़ा स्कैंडल। शोभा हाउसिंग और टाउन प्लानिंग की मुबैना गफलत के बायस जोहर टाउन में कब्जे के 290 प्लॉटों पर तामीरात हुई। टाउन प्लानिंग की जानिब से अराजी पर होने वाली तामीरात से मुतालिक निशानदेही नहीं की गई। लाहौर न्यूज़ प्लॉट्स पर गैर कानूनी तामीरात और कब्जे की तफसीलात सामने ले आया। बल्दिया उज़्मा रवा माली साल के मुख्तलिफ अहदाफ पूरे न कर सका। 14 अरब 41 करोड़ हदफ में सिर्फ 10 अरब 4 करोड़ रुपए इकट्ठे किए जा सके। पीएफसी नॉन डेवलपमेंट फंड्स की मद में सिर्फ 1 अरब 55 करोड़ रुपए हासिल किए जा सके।